नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि प्राची पर हमला करने वाले निक से पूरी सच्चाई उगलवा लेते हैं रणबीर, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि रणबीर को वाकई में आज के समय में पता लग चुका है कि प्राची पर जो हमला करवाया है वो किसी और ने नहीं, आलिया और रिया ने। हालांकि निक ने पहले इस बात को सभी के सामने घुमाया कि प्राची ने खुद ने ही अपने ऊपर हमला करवाया है, लेकिन दोस्तों फाइनली अब ये बात सभी के सामने आ चुकी है। और निक को जैसे ही पुलिस की धमकी दी कि हम तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे, उसके बाद में निक ने पूरी तरीका के साथ में, सच्चाई के साथ में बात को बता दिया कि ये सबूत है और रिया मैम और आलिया मैम ने मुझे इसके लिए पैसे भी दिए थे कि प्राची पर हमला करने के लिए। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि प्राची पर हमला जो किया था निक ने बहुत ही सूझबूझ के साथ में किया था। हालांकि अगर रणबीर नहीं आते तो प्राची आज हमारे बीच में नहीं होती, लेकिन दोस्तों आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आलिया और रिया का एक पर्दाफाश और होने जा रहा है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि आलिया और रिया ने हमेशा से ही प्राची को मारने का फुल प्रूफ प्लान बना रखा है। लेकिन दोस्तों रणबीर की बात की जाए तो रणबीर की बात पर इस समय रणबीर के फादर और रणबीर की दादी एग्री हैं, लेकिन रणबीर की माँ नहीं चाहती कि प्राची का साया किसी भी तरीका से उनके फैमिली पर या उनके बेटे रणबीर पर पड़े। लेकिन दोस्तों आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि रणबीर और प्राची के बीच में अब एक बार फिर से रणबीर की माँ खुद दरार डलवाने जा रही है, क्योंकि वो चाहती है कि अगर इन दोनों के बीच में एक तरीका से अगर लंबी फाइट होगी तो उसके बाद में प्राची हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर जा सकती है, क्योंकि रणबीर की माँ नहीं चाहती कि प्राची का साया भी इस घर पर पड़े। लेकिन दोस्तों जैसे ही कुछ समय के बाद में आलिया और रिया की जो गंदी करतूत है वो परिवार के एक बार फिर से खिलाफ जाने वाली है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं जिसके बाद में रणबीर हमेशा हमेशा के लिए आलिया से रिश्ता तोड़ देगा। साथ ही दोस्तों मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए। गाइस थैंक यू सो मच, गाइस लव यू ऑल ऑफ यू।